नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। रायबरेली और अमेठी की उलझने सुलझाने में जुटी प्रियंका गांधी। अखिलेश को भेजा संदेश, कहा हमने छोड़ा अपना गढ़, आप भी निभाएं अपना वादा। सपा ने कांग्रेस को अमेठी रायबरेली की सभी 10 सीटें देने का किया था वादा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सपा गठबंधन को प्रशांत किशोर ने दिया नया नारा। यूपी को यह साथ पसंद है, अखिलेश राहुल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारे को किया जा सकता है जारी। हरियाणा में एक बार फिर जाट आरक्षण आंदोलन की सरगर्मी तेज। रोहतक के कई हिस्सों में धारा 144 लागू। शहर में रेलवे स्टेशनों समेत राष्ट्रीय राजमार्गों के करीब 500 मीटर की दूरी तक लोगों के जमावड़े पर लगा प्रतिबंध। यूपी के गाजियाबाद में तेज रफ्तार से आ रही ऑडी कार ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 4 लोगों की मौके पर मौत। ऑडी छोड़कर फरार हुआ आरोपी। राजस्थान में रानी पद्मावती के सेट पर फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट। राजपूत करणी सेना ने फिल्म के सेट पर मचाया हंगामा। भंसाली पर लगाया इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने उचित कार्रवाई का दिया निर्देश। और इस्लामिक आतंकवाद से निपटने के लिए ट्रंप ने किए कड़े आदेश पर हस्ताक्षर। 7 मुस्लिम देशों के शरणार्थियों पर लगी पाबंदियां। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कट्टरपंथी आतंकवादियों के खात्मे का ट्रंप ने लिया था संकल्प। ये तो ही अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।